गिरोह है इनसे बात किया जाए। क्या कहना है आपका, ये जो कांग्रेस की नई सरकार आई है ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आपका क्या कहना? अरे कोई भी आ जाए, लालू यादव नहीं आना चाहिए बस। और आप क्या तकलीफ है, आप बताइए इस बारे में। देखो तुम्हारी भाभी आ रही पीछे, बाद में बात करते हैं। अब क्या होगा भाई, लाइक एप्लीकेशन भी टिकटॉक के तरह फेमस होते हुए नजर आ रहे हैं। ची तेरे पीछे आगवाची ये सियाने ला पैसे दे, ए दे ना मैं तेरे वास्ते नाची रे, ले ये पकड़। कोई बंदी नहीं आई। जिस तरह कुछ इंसान टिकटॉक पे फेमस होने के लिए भूखे नंगे मोटे पतले आदमी नाच रहे थे, वीडियो बना रहे थे, ठीक उस अब लाइक को भी बकचोदी प्लेटफॉर्म बना रखा है। ये लोग समझते क्या है यार, अपने आप को जो मन में वो करने लगेंगे क्या टिकटॉक की तरह लाइक पे भी। मेरा यार भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा दिलदार है दिलदार भी तू, मेरा जिंदगी पे एतबार भी तू, मेरा मोमिन तू, मेरा काजी तू, मेरा रुसिया तू, मेरा राजी तू, मेरा कोई तो अपने आंख लाल पीले कर रहे हैं, कोई तो अपने मोटेपन का कला दिखा रहे हैं। अरे यार हमको समझ में नहीं आ रहा है, इस मोटे को ना अपने पेट में किसने मोटर सेट करा दिया और ऐसी 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 राउंडिंग पेट में कर रहा है यार। No, no, no. हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम आज भी किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वो टॉपिक है लाइक की बकचोदी। तो चलिए आप लोगों के बीच फिर से मैं लेकर के आया हूँ लाइक की बकचोदी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। कुछ इंसान लाइक पे भी फेमस होने के लिए ऐसी वीडियो बनाने लगे हैं, सो देख लो आपके आगे में ही है। अबे जान से मरेगा, क्यों जान से खेल रहे हो एक वीडियो के लिए। वाह वाह क्या टैलेंट है इस लॉकडाउन में, ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर जाए लेकिन हम वीडियो बनाना नहीं छोड़ेंगे। इसी को कहते हैं लाइक की बकचोदी। ब्याह करवा दियो रे, मेरा ब्याह करवा दियो, कोई लंगड़ी लुल्ली नहीं तो कोई भूतनी है चिपटवा दियो, अरे करवा दियो। क्या बोल रहे हो बे, अबे साले मरना चाहते हो क्या, भूतनी से ब्याह करोगे? हाँ इतनी लड़कियां हैं हमारे भारत में, वो सब तेरे लिए मर गई क्या? मोदी जी थोड़ा ध्यान दीजिए अपने देश पे, नहीं तो ऐसा न हो जाए कि हमारे देश में भूतों का राज होने लगे, फिर उसके बाद लोग बोलेंगे वाह मोदी जी वाह वाह वाह। लड़की थी बड़ी चालू, मुझे घर पे बुलाया, घर पे बुला के भाई को बाप को बुलाया, फिर सबने मारा और इतना मारा। देखा इसका अंजाम क्या हुआ, लड़कियों से पीट के आया है साले। खैर इसकी क्या गलती है, ये तो बोल ही रहा था कि भाई मेरा ब्याह करवा दो, मेरा ब्याह करवा दो, इसके पेरेंट्स ने नहीं करवाए तो इसकी क्या गलती है, ऐसी तो हरकतें करेगा ही अगर ब्याह नहीं करवाया तो। ये तो बंदा मानने वाला है नहीं। How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की, किस हक से तुमने मुझे छुआ, तुम
तुम्हारा कोई हक अबे अब तो बस करो यार, कितने कर्म कांड करोगे तुम, नहीं सुधरने की कसम खा ली तुमने। जवन सज धज के दुल्हा भी सही पकड़े हैं। अबे आज तो तेरी शादी हो रही है, आज के दिन तो कम से कम ऐसे हरकतें मत कर। देखा ये बंदे अपने शादी से कितने खुश है, खुश तो होगा ही ना, इतने हरकते के बाद इसकी शादी जो हुई है। अबे चूतिए तुम खुश हो अपनी शादी से, तेरी वाली तो खुश नहीं है, क्यों उसके मुंह में ऐसे ठूस रहे हो रस भरे रसगुल्ले? क्या जरूरी है सबको बताना कि हम बहुत खुश हैं भाई, मेरी शादी हो रही है, जब तेरी वाली खुश ही नहीं है तो तुमको क्या जरूरी है खुश होने की? साले तुमको बाद में जो करना है कर लो ना, सबको बताना इतनी जरूरी नहीं है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये बंदा सुधरने में से नहीं है। तो चलिए दूसरे की करते, जाने माने सिंगर की जो डायरेक्ट बाथरूम से आ करके स्टेज शो करने लगता है। इशारे तेरे कंगड़े में। अबे साले कम से कम हैंड वॉश तो कर लिया होता, छी यहाँ तक बू आ रही तेरी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज की बकचोदी? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। हाँ फ्रेंड्स, तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो पता है क्या करना है, लाइक कर देना वीडियो को, उसके बाद पता है सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा देना। फिर मिलते हैं अगले और वीडियो।